ये वीडियो है डीप वाटर जो कि विलियम डॉगलस के द्वारा लिखी गई है। इसी की समरी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, इसकी समरी के बारे में। तो डीप वाटर इज अबाउट ए रियल लाइफ इंसिडेंट, ये एक वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ घटना है, विच वॉज एक्सपीरियंस बाय द ऑथर, जो कि लेखक के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया था, जिनका नाम था विलियम डॉगलस। वास्तव में विलियम डॉगलस के बारे में बता दूं आपको, तो विलियम डॉगलस एक ऑथर है। बाद में कहा जाता है कि इन्हें बचपन में बहुत ज़्यादा पानी से डर लगता था, लेकिन बाद में जाकर ये बहुत बड़े एक स्विमर यानी तैराक बने थे, और यही रियल लाइफ इंसिडेंट इन्होंने इस कहानी में शेयर करी। इट इज़ अबाउट द फियर, यह एक डर के बारे में है, ऑफ वाटर, पानी से डर के बारे में, विच द ऑथर है, जो ऑथर को था व्हेन ही वॉज ए चाइल्ड, जब वे बच्चे थे। The author has also described that, author ने यह भी बताया है, यह भी वर्णन किया है, that how he overcame, किस तरह से उन्होंने काबू पाया the fear, इस डर पर। The author was only 3 to 4 years old when he had the bad experience with water, यानी जब वे सिर्फ 3-4 साल के थे तभी उनके साथ कुछ बुरा हुआ था। वो क्या हुआ तो हम लोग आगे बात करेंगे। He was standing on the seashore, वे किसी समुद्र के तट पर खड़े थे अपने पिता के साथ। Then A wave swept him away. एक लहर आई समुद्र की और उन्हें बहा कर ले गई। His father started laughing. इस बात पर, इस वाक्य पर उनके पिताजी हंसने लगे। But he got afraid inwardly. अंदर से उन्हें काफी ज्यादा डर लगा और वे डर से गए। When he came to YMCA pool. अब ये बात है वर्तमान की, या फिर कह सकते हैं कुछ समय बाद की। ये 3-4 साल के थे, अब ये 11 साल के हो गए हैं। तो वही यहाँ पर है कि when he came to YMCA pool पर जब वो आए थे स्विमिंग सीखने के लिए, he was 11 years old, वे 11 साल के थे, but the fear was still the same, लेकिन इनके मन में अभी भी डर उतना ही था पानी को लेकर। he was trying to swim, वे तैरने का प्रयास कर रहे थे, like other children, और सभी बच्चों की तरह, at the pool, जो कि तैर रहे थे, with the help of water wings की मदद से। One day, एक दिन, he was sitting alone at the edge of the pool. वे अकेले बैठे हुए थे उसी पुल के किनारे पर। Edge मतलब किनारा। A young boy of 18, 18 साल का एक young नौजवान लड़का came आया and pushed him into the water. उसको धक्का दे दिया पानी में, या फिर कह सकते हैं उठा के फेंक दिया। He got under the water. वे पानी के नीचे चले गए। सरफेस, पानी के सतह के नीचे। ही ट्राइड अगेन एंड अगेन, उन्होंने बार बार प्रयास किया, बट एट लास्ट, लेकिन अंत में बिकेम अनकॉन्शियस, ये बेहोश हो गए, अचेत हो गए। दिस टाइम, इस बार द फियर वॉज इवन ग्रेटर, इस बार का डर जो था और भी ज्यादा था। सो ही टुक ए, यहाँ पर एन हो जाए ज्यादा अच्छा है, सो ही टुक एन इंस्ट्रक्टर, उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर लिया। अब ये इंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो आपको बताता है, गाइड करता है, कह सकते हैं इंस्ट्रक्टर, यानी इंस्ट्रक्ट करने वाला तैरने के लिए। He put all his efforts, उन्होंने सारे प्रयास झोंक दिए, सारे प्रयास लगाए अपने, and continued for a long time, और ये प्रयास लंबे समय तक चलता रहा। At last, अंत में he got rid of, उन्होंने छुटकारा पाया this fear of water, इस पानी के डर से, and became a very good swimmer, और एक अच्छे तैराक बने। The story is very inspiring, कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है, which teaches us, जो हमें सिखाती है so many lessons, बहुत सारे सबक। तो ये थी बहुत ही छोटी सी समरी, कह सकते हैं आप, इतना भी लिखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि लगभग 150 शब्द का ये समरी है, और आपके आंसर्स के लेंथ के लिए झारखंड बोर्ड में जितना पूछा जाता है ये इनफ है, तो आप इसे लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।